राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त हरीश। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नोटिफिकेशन देखने वाले हैं, जो कि है SSC का कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, जी दोस्तों, ये कैलेंडर थोड़ा पुराना हो गया है, पर कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। जी उसी टाइप का कुछ ये इशू है दोस्तों। मैंने ऐसा इसीलिए कहा है कि आपको पता ही होगा, SSC CGL, SSC CHSL, यह सब SSC की ही पोस्ट है। सो, इनकी जो फॉर्म भरने की डेट है वह तो चली गई, पर दोस्तों अभी भी SSC में कुछ ऐसी वैकेंसीज है, टोटल 13 वैकेंसीज है जो आप अभी भी भर सकते हो। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी SSC नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों यह नोटिफिकेशन आपके लिए सचमुच बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ हो या जिनको किसी भी हालत में गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए। सो, दोस्तों चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे कैलेंडर की ओर। दोस्तों हमें सबसे पहले हमारे मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र जो है वो ओपन करना है, तो चलिए बढ़ते हैं क्रोम की तरफ। दोस्तों क्रोम ओपन करते ही हमें सबसे पहले एक काम कर देना है, ब्राउज़र का डेस्कटॉप साइट ओपन कर देना है। सो, दोस्तों हमने कर दिया हमारे मोबाइल का यानी ब्राउज़र का डेस्कटॉप साइट ओपन। जी हाँ दोस्तों, मैंने मोबाइल का रोटेशन ऑन कर दिया है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, आपको आपके मोबाइल में WPS यह PDF रीडर एप्लीकेशन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी इसमें ये नहीं होगा तो आप वह PDF यानी वह जो कैलेंडर है SSC का सबसे मेन कैलेंडर, वह आप नहीं पढ़ पाएंगे। दोस्तों किसी भी PDF रीडर में यह पढ़ सकते हैं, पर जो WPS है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे यूज़ करने में काफ़ी इजी है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको सिर्फ WPS, या आप Adobe रीडर भी ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे SSC की ऑफिशियल वेबसाइट की ओर, जो कि है ssc.nic.in। रन कर देते हैं दोस्तों। रन करते ही हमें सबसे पहले जाना है लॉगिन के बिल्कुल नीचे है कैलेंडर। देखिए दोस्तों, कैलेंडर SSC का ऑफिशियल कैलेंडर, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक हियर से। सो, मैंने क्लिक हियर पे टच कर दिया है और डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। दोस्तों मैंने यह कैलेंडर पहले भी डाउनलोड करके रखा था, मैं आपके लिए फिर से डाउनलोड कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारा कैलेंडर। जी दोस्तों, मैंने कहा था ना, ये है WPS है, यह PDF यानी जो कैलेंडर है SSC का, वह हमारे WPS में खुल चुकी है। मतलब जैसे ही वह PDF डाउनलोड होके कंप्लीट हो गई, रेडी हो गई, वह ऑटोमेटिकली हमें WPS उसे ओपन करके दिखा देता है। सो, ये भी फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए ऊपर देख सकते हैं आप, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर द ईयर ऑफ 2021-2022। ठीक है दोस्तों। सो, दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखेगा सीरियल नंबर, उसके बाद नेम ऑफ एग्जामिनेशन, उसके बाद टीयर और फेस, उसके बाद डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद क्लोजिंग डेट, उसके बाद एग्ज़ाम डेट। सो, देखिए दोस्तों, यह है SSC की जो पहली वैकेंसी है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल CGL, SSC CGL, और जो सेकंड नंबर की है SSC CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। इनकी डेट तो चली गई है, जो थी 23/12/2021 एडवर्टाइजमेंट डेट CGL की, और उसकी क्लोजिंग डेट थी 23/1/2022। इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं, इसको करते हैं इग्नोर। बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट से नीचे। दोस्तों आपको बता दूँ, इसमें टोटल 15 पोस्ट है। देखिए 15 से हम 13 तो एटलीस्ट भर ही सकते हैं। तो देखते हैं वो 13 पोस्ट कौन सी है। दोस्तों 3 नंबर पे है मल्टी टास्किंग स्टाफ, जो कि नॉन टेक्निकल है और काफ़ी अच्छी पोस्ट है, जो कि सिर्फ 10th के बेस पे है और सेंट्रल गवर्नमेंट 10 के बेस पे। दोस्तों काफ़ी बढ़िया। दोस्तों यहाँ पे CBE मतलब होता है कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम, देख लीजिए
CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, अब बिना टाइम जाया किए बढ़ते हैं हमारे ऑल नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए दोस्तों, MTS की एडवर्टाइजमेंट डेट है 22/3/2022 और उसकी क्लोजिंग डेट है 30/4/2022। दोस्तों इसके एग्ज़ाम रहेंगे जून 2022 में, उसके बाद है सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ामिनेशन जो कि CBE ही है Tier 1, जिसकी एडवर्टाइजमेंट डेट है 10/5/2022 और उसकी क्लोजिंग डेट है 9/6/2022, मतलब उसकी लास्ट डेट है 9/6/2022, जिसकी भी एग्ज़ाम जुलाई 2022 में ही रहेंगे। उसके बाद है दोस्तों 5 नंबर की पोस्ट, जो रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022। दोस्तों ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ही है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट डेट है 17/5/2022 और जिसकी लास्ट डेट है 16/6/2022, जिसके एग्ज़ाम रहेंगे सितंबर 2022 में। उसके बाद है दोस्तों रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022, जो कि है ड्राइवर, सेम CBE, जिसकी एडवर्टाइजमेंट डेट है 27/6/2022, क्लोजिंग डेट है 26/7/2022, जिसकी एग्ज़ाम होंगी अक्टूबर 2022 में। बढ़ते 7 नंबर के पोस्ट पे, जो कि है रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। दोस्तों ये भी कंप्यूटर बेस ही है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट डेट है 4/7/2022 और लास्ट डेट है 3/8/2022, जिनकी एग्ज़ाम रहेंगी नवंबर 2022 से शुरू। दोस्तों उसके बाद है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन CBE, सेम 14/8/2022 को एडवर्टाइजमेंट डेट, उसके बाद 13/9/2022 को क्लोजिंग डेट यानी लास्ट डेट, जिसके एग्ज़ाम रहेंगे दिसंबर 2022 में। उसके बाद जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन, सेम CBE, जिसकी एग्ज़ाम डेट है 22/8/2022, लास्ट डेट है 21/9/2022, दिसंबर 2022 में इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे। 10वीं पोस्ट है साइंटिस्ट असिस्टेंट इन IMD एग्जामिनेशन, सेम CBE, 29/8/2022 को एडवर्टाइज, लास्ट डेट है 28/9/2022, जिनकी एग्ज़ाम रहेंगे जनवरी में, जो कि है 2023। दोस्तों यह जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह है 2021-2022 की पोस्ट, जिनकी एग्ज़ाम जाएंगे 2023 में। जी दोस्तों समझ गए। उसके बाद है रिक्रूटमेंट ऑफ MTS सिविलियन। दोस्तों सोचिए, सिविलियन इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन CBE, जिनकी एडवर्टाइजमेंट डेट है 11/10/2022 और लास्ट डेट है 15/11/2022, फरवरी 2023 में एग्ज़ाम। उसके बाद है 12वीं जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन। दोस्तों यह सब सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इंजीनियर, यह सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम CBE कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम, एडवर्टाइजमेंट डेट 28/11, क्लोजिंग डेट 27/12/2023, मार्च महीने में रहेंगे एग्ज़ाम्स। उसके बाद है स्टेनोग्राफर GD CV&D पोस्ट एग्जामिनेशन CBE, एडवर्टाइजमेंट डेट 5/12/2022, क्लोजिंग डेट यानी लास्ट डेट 31/12/2022, अप्रैल 2023 में एग्ज़ाम। 14 नंबर की पोस्ट है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन CBE, 9/1/2023 को एडवर्टाइजमेंट डेट, उसके बाद 12/2/2023 को क्लोजिंग डेट यानी लास्ट डेट, मई 2023 के एग्ज़ाम रहेंगे। उसके बाद आखिरी है जो है कांस्टेबल GD जनरल ड्यूटी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। उसके बाद है NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। उसके बाद है SSF एंड राइफलमैन जनरल ड्यूटी इन आसाम राइफल्स एग्जामिनेशन 2022, सेम CBE, एडवर्टाइजमेंट डेट 22/2/2023, लास्ट डेट 31/3/2023,
जून 2023 में एग्ज़ाम। सो दोस्तों यह था हमारा कैलेंडर, एसएससी का ऑफिशियल कैलेंडर। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी पोस्ट है इसमें, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, जब मतलब कभी भी मतलब जब उनकी डेट एडवर्टाइज हो जाएंगी उस दिन से आप अप्लाई कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपको एसएससी के बारे में और कोई जानकारी चाहिए होंगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेझिझक बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि है एसएससी सीजीएल के बारे में। उसकी एडमिट कार्ड अब ओपन हो चुके हैं, मतलब पब्लिश हो चुके हैं। वो अगर आपको डाउनलोड करते नहीं आता होगा तो उसका भी वीडियो मैं आपके सामने ले आऊँगा। अगर चाहिए होगा तो उसके भी बारे में आप कमेंट में बता दीजिए, मैं बिल्कुल ले आऊँगा। जी दोस्तों धन्यवाद, राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में।